स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विशिष्ट संचय का एक उदाहरण देखा था, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आज की इस वीडियो में हम एक और विशिष्ट संचय का उदाहरण समझ रहे हैं, विनियोग उतार चढ़ाव संचय यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? अगर प्रश्न में यह समायोजन दिया जाए तो विभिन्न परिस्थितियों में आप किस प्रकार से इसका लेखांकन करेंगे, इसको लेकर आज की यह वीडियो मैंने प्रिपेयर करी है। तो बिना किसी देरी के आज की यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विनियोग उतार चढ़ाव संचय, इसका क्या अभिप्राय है। व्यापारी अपनी अतिरिक्त आय को व्यापार के बाहर अन्यत्र विनियोग करता है ब्याज या लाभांश की इच्छा से। इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो व्यापार के लिए संपत्ति के रूप में होता है। अगर इस इन्वेस्टमेंट या विनियोग का मूल्य, बाजार मूल्य, लागत मूल्य जो हमारी आई है उससे कम हो जाए तो व्यापार को हानि होती है। इस परिस्थिति में अगर हानि के लिए कोई व्यवस्था न की जाए तो ये हानि व्यापार को प्रभावित करेगी। इसलिए इन हानियों की पूर्ति के लिए एक संचय का निर्माण किया गया, जिसका नाम दिया गया विनियोगों के उतार व चढ़ाव संचय यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस विनियोग का, संचय का हम लोग उपयोग इसी आपके कौन सा विनियोग से हुई हानि की पूर्ति के लिए ही करेंगे। इसका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जा सकता, इस कारण से इसे विशिष्ट संचय की संज्ञा दी गई। इस संचय का निर्माण विनियोग के बाजार मूल्य में हुई कमी की पूर्ति के समायोजन के लिए किया जाता है। इस कमी से व्यापार प्रभावित ना हो इसलिए संचय का निर्माण किया जाता है। ये लाभों में से बनाया गया संचय है और लाभों पर अगर साझेदारों का अधिकार होता है तो इस प्रकार के संचय की न काम में आई हुई राशि पर भी पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। इस कारण से साझेदारों के लाभहानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में या नए साझेदार के प्रवेश की दशा में इस आपके विनियोग के बाजार मूल्य को पुस्तक मूल्य से तुलना की जाती है और मूल्य में कमी होने पर हानि होती है, जिसे इस संचय खाते से समायोजित किया जाता है तथा मूल्य में वृद्धि होने पर लाभ होता है और उस लाभ की राशि को पुनर्मूल्यांकन खाते में हम लोग हस्तांतरित करेंगे। अगर किसी प्रकार की राशि विनियोग संचय में आपकी विद्यमान रहती है हानि की पूर्ति के बाद, तो उस आपकी राशि को पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो इस आपके विनियोग के संदर्भ में यही आपकी कौन सा चार पांच दशाएं हैं। यदि हानि होती है तो संचय से पूर्ति करें, हानि न हो तो संचय की राशि मुक्त है किसी भी दायित्व से, तो इस संचय की राशि को पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांटेंगे। इसकी विभिन्न दशाएं हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं, एक एक करके अपन इस दशाओं को समझते हैं। पहली आपकी सिचुएशन है कि विनियोगों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के आपके कौन सा समान हो या विनियोगों का बाजार मूल्य प्रश्न में न दिया हो, तो दोनों ही स्थिति में व्यापार को कोई हानि नहीं हो रही है, व्यापार का न कोई दायित्व उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी दशा में जो संचय की राशि है वो पुराने साझेदारों में बांट दी जाएगी, क्योंकि व्यापार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा है या फर्म में नए पार्टनर्स का प्रवेश। तो इस प्रकार का संचय जो गत वर्ष के लाभों से बनाया गया था, जिस पर केवल पुराने पार्टनर्स का ही अधिकार है, उनके बीच में यह संचय की राशि बांटकर इसे बंद कर दिया जाएगा। और इसके संदर्भ में क्या एंट्री होगी, इस संचय का, संचय प्रोविजन इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए इस संचय खाते को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पुराने पार्टनर्स के पूंजी खाते में परिवर्तनशील विधि की स्थिति में और आपके स्थिर पूंजी खाते की स्थिति में करंट अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा उनके पुराने लाभहानि अनुपात में। तो इस प्रकार से आप इसका समायोजन करेंगे।
अगर विनियोग के संदर्भ में कुछ ना कहा हो या विनियोग का बाजार मूल्य आपके पुस्तक मूल्य के समकक्ष हो तो ऐसी स्थिति में व्यापार को कोई हानि नहीं होगी और यह संचय पुराने साझेदारों में बांटकर बंद कर दिया जाएगा। अब इसकी एक परिस्थिति को और समझते हैं। विनियोगों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो और कमी की राशि संचय की राशि से कम हो। यदि आपका बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो तो व्यापार को हानि होगी और हानि की राशि संचय की राशि से कम हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, संचय की राशि ज्यादा है इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पूर्ण राशि से डेबिट करें, जितने रुपए की हानि हुई उससे विनियोग संपत्ति खाते में कमी होगी, संपत्ति को कम करने के लिए क्रेडिट करें टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कमी की राशि से, और जो संचय खाते में शेष बच गया, मान लो संचय है 10,000 रुपए का और विनियोगों में हानि हुई है आपके 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए संचय खाते में जो शेष बच गया उसे पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांटकर बंद कर दिया जाएगा। इसी की एक और परिस्थिति को समझते हैं कि विनियोगों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो और कमी की राशि संचय की राशि से ज्यादा हो, यानी पुस्तकों में जो रिजर्व दे रखा है उससे ज्यादा की हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हानि की पूर्ति कहां से की जाएगी, तो हानि की पूर्ति जितनी संचय से हो सकती है उतनी संचय से करेंगे और कम पड़ने पर उसे पुनर्मूल्यांकन खाते यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट उस रकम से आएगा जिसकी पूर्ति, जिस हानि की पूर्ति आपके संचय खाते से नहीं हुई, और कुल आपकी हानि की राशि से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जब हानि ज्यादा हो और उसकी पूर्ति संचय से ना हो तो उस आपकी कमी की राशि को पुनर्मूल्यांकन खाते में हानि के रूप में हस्तांतरित कर देंगे, और जब आपने पुनर्मूल्यांकन खाता हानि के रूप में डेबिट किया है तो पुनर्मूल्यांकन की हानि कौन वहन करेगा, पुराने पार्टनर्स वहन करेंगे। तो ऐसी दशा में आपको एक एंट्री और एडिशनल करनी पड़ेगी इस रिवॉल्यूशन की हानि को वहन करने के लिए, और वो प्रविष्टि क्या होगी, रिवॉल्यूशन की हानि पुनर्मूल्यांकन की हानि को पुराने साझेदारों में बांटेंगे, हानि की वजह से साझेदारों का पूंजी खाता कम हो जाएगा, यानी पूंजी खाते को डेबिट करें, करंट अकाउंट को डेबिट करें और रिवॉल्यूशन अकाउंट जो हानि खाता है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हानि की रकम पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में हम लोग बांटेंगे। अब इसमें एक और परिस्थिति है जिसको समझते हैं कि अगर विनियोग का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से ज्यादा हो जाए, हमने जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उसकी अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो हमारे को लाभ होगा, और लाभ होने की दशा में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है तो इस वृद्धि का सीधा सीधा प्रभाव कहां डाल देंगे, लाभ की राशि को हस्तांतरित किया जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो ऐसी स्थिति में संचय पर कोई दायित्व या हानि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो संचय की राशि पूर्णतया साझेदारों में बांटकर बंद कर दी जाएगी। तो इसके लिए तीन एंट्रियां होंगी, कौन कौन सी जरा देखें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसमें कोई हानि नहीं आई तो ये सभी पार्टनर्स में उनके पुराने अनुपात में बांटकर बंद कर देंगे, नंबर एक। नंबर दो, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है तो संपत्ति खाते को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, उस आधिक्य राशि जिसका हमको लाभ हुआ है वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और पुनर्मूल्यांकन की आपके लाभ को किसे प्राप्त करने का अधिकार है, पुराने पार्टनर्स को प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट की राशि सभी पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभहानि अनुपात में बांट देंगे। तो ये लगभग सभी परिस्थितियां मैंने आप लोगों को समझाई, उनसे संबंधित जनरल आपके कौन सा प्रविष्टियां मैंने आप लोगों को बताई है। इन सभी परिस्थितियों को एक एग्जाम्पल के द्वारा भी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि, और ये सारी एंट्रियां एक बार वापिस रिवाइज करते हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और हमेशा के लिए याद रहें। देखें किस प्रकार से आपसे कह रखा है कि ए भी 3-2 के अनुपात में साझेदार हैं,
वे 1 अप्रैल 2019 को सी को 1/5 हिस्से के लिए क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं। आपको चिट्ठा बनाकर दे रखा है, चिट्ठे के अंदर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 का दिया है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। और इन्वेस्टमेंट दिया है संपत्ति पक्ष में 25000 रुपए, ये आपको प्रश्न के तौर पर याद रखना है। अभी सभी परिस्थितियों में ये समान तौर पर काम में आएगी। आपसे कहा है कि सी के प्रवेश के समय निम्न दशा में विनियोग उतार चढ़ाव संचय के संबंध में क्या क्या प्रविष्टि करेंगे, इस चीज को आप लोगों को बताना है। आपकी विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन सभी परिस्थितियों में से एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहली जो प्रविष्टि आपकी परिस्थिति दे रखी है, उसमें कहा है कि विनियोगों के संबंध में कोई सूचना न हो और न आया विनियोगों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के समान हो। अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार से के रखा है कि या तो आपको इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्य दिया ही नहीं, या आपसे के रखा है कि विनियोगों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य के समकक्ष है, तो ऐसी स्थिति में विनियोगों को लेकर ना तो हमको लाभ हुआ ना हमारे को हानि हुई, तो ऐसी दशा में आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि इस संचय का निर्माण गत वर्ष के लाभों से किया गया है जिस पर किसका अधिकार था, केवल पुराने पार्टनर्स का। इस कारण से नए साझेदार के प्रवेश के समय इस संचय को पुराने पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांटकर बंद कर दिया जाएगा। और उसकी प्रविष्टि क्या होगी, ये दायित्व पक्ष में है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, बंद करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू कौन सा बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये विनियोग आपके आपके फ्लक्चुएशन आपके रिजर्व अकाउंट पार्टनर्स में बांटकर बंद कर दिया। अब इसकी एक परिस्थिति और समझते हैं। आपको प्रश्न में यह कहा है कि विनियोगों का बाजार मूल्य 23000 रुपए है। देखो, विनियोगों का मूल्य चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में 25000 दिया था, यानी आपने इन्वेस्टमेंट तो 25000 किया और अभी वर्तमान में नए पार्टनर्स के प्रवेश के समय संपत्ति का मूल्य कितना हो गया, 23000 रुपए का हो गया। और आपके इस विनियोग के संदर्भ में आपको हानि कितने की हो गई, 2000 रुपए की हानि हो गई। अगर दायित्व पक्ष में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो इस हानि को पुनर्मूल्यांकन खाते में हम लोग दर्शाते, पर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, इसलिए इस 2000 की हानि को इस संचय खाते के अंदर अपन हस्तांतरित करके समायोजित करेंगे और शेष राशि जो संचय की बचेगी वो सभी पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने अनुपात में बांटकर बंद करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 5000 का। हानि कितने की हुई इन्वेस्टमेंट पर, आपके 2000 रुपए की हानि से इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम करेंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कराया 2000 से। प्रश्न आया कि 5000 में से 2000 की अगर हानि अपन ने समायोजित करी है तो अब हमारे पास शेष संचय की राशि कितनी बचती है, 3000 रुपए, जिसे ए और बी में इनके पुराने अनुपात में ओल्ड रेशो में 3:2 के अंदर बांट दिया जाएगा। तो 3000 को अपन 3:2 में बांटे तो कितना आएगा, 1800 और 1200 रुपए। तो इस प्रकार से आपको सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है। एक परिस्थिति और अपन समझते हैं। अगर ये विनियोग का मूल्य जो बाजार मूल्य है वो कहे कि 18000 ही रह गया, इन्वेस्टमेंट थे 25000 के, आपका वर्तमान बाजार मूल्य 18000 का है, तो इसको इसका मतलब ये हुआ कि आपको हानि कितने रुपए की हुई, 7000 रुपए की हानि हो गई। अब प्रश्न आ रहा है कि इस हानि को पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाएं कि क्या करें। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 का दिया है, तो हम इस हानि की पूर्ति पहले तो संचय खाते से करें और कम पड़ने पर पुनर्मूल्यांकन खाते से इस हानि की पूर्ति की जाएगी। तो इसके संदर्भ में क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000 रुपए, हमारे को इन्वेस्टमेंट की हानि कितने की हुई है, 7000 की, तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, हानि की पूर्ति के लिए 2000, तो इसकी पूर्ति कहां से की जाएगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट में इस हानि को हस्तांतरित करके इसकी पूर्ति की जाएगी। तो कहने का मतलब विनियोगों के मूल्य में कमी होने से
आपके फर्म को या व्यापार को 7,000 रुपए की हानि हुई। इस हानि के लिए अपने संचय बना रखा था जिसका मूल्य था मात्र 5,000 रुपए, 5,000 का ही संचय था, पर हानि ज्यादा हो गई 7,000, तो शेष 2,000 की पूर्ति कहां से की जाएगी? पुनर्मूल्यांकन खाते में शेष आपके 2,000 की हानि को स्थानांतरित करेंगे। अब प्रश्न आता है कि पुनर्मूल्यांकन की इस हानि को कौन वहन करेगा? पुनर्मूल्यांकन की इस हानि को अंततः वहन करेंगे पुराने साझेदार, और किस अनुपात में वहन करेंगे? अपने पुराने लाभ हानि के अनुपात में वहन करेंगे। तो इस हानि को जब पुराने साझेदारों में वितरित किया जाएगा उनके पुराने लाभ हानि के अनुपात में, तो क्या प्रविष्टि करेंगे? जरा देखें, हानि की पूर्ति से पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, इसलिए उनका पूंजी खाता क्या किया जाएगा? डेबिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यह हानि की अपन राशि पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में 3:2 में वितरित कर देंगे, 1200 रुपए और कौन सा 1800 रुपए। अब प्रश्न आता है कि इसकी एक परिस्थिति और बनती है कि अगर विनियोगों का बाजार मूल्य बढ़ जाए तो क्या होगा? आपसे कह रखा है इसमें कि विनियोगों का बाजार मूल्य 30,000 रुपए हो गया, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विनियोगों का आपके कितना रुपए दे रखा है? 25,000, और बाजार मूल्य आपको दिया है 30,000, यानी हमारे इन्वेस्टमेंट के मूल्य में वृद्धि हो गई और हमारे को क्या हो गया? लाभ। तो जब भी नए साझेदार का प्रवेश होगा या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हैं, और हमको पता पड़ा कि हमारा विनियोग आपके 25,000 से 30,000 का हो गया, यानी 5,000 रुपए की उसमें वृद्धि हो गई। तो इस लाभ की राशि को सीधे सीधे किसमें हस्तांतरित कर दिया जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते में हम लोग हस्तांतरित करेंगे। पर अगर प्रश्न में आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है हानि की पूर्ति के लिए, तो आपकी इस परिस्थिति में तो कोई हानि नहीं हुई, तो इस संचय के अब आपके निर्माण के व्यवहार को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए साझेदार का फर्म में प्रवेश हो रहा है और ये जो संचय आपने बनाया था गत वर्ष के लाभों में से बनाया था जिस पर पुराने साझेदारों का अधिकार है। इसलिए ऐसी स्थिति में उस संचय की राशि को सबसे पहले पुराने अनुपात में बांटकर, तो इसकी क्या प्रविष्टि करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, एज और बीज में आपके कौन सा अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दें? इनके पुराने अनुपात 3:2 में, और जो 5,000 रुपए का हमारे को लाभ हुआ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हस्तांतरित करेंगे क्रेडिट साइड में, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में, और इस लाभ की राशि से विनियोगों का आपके पुस्तकों में मूल्य बढ़ा दिया जाएगा और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी, तो संपत्ति खाता डेबिट करेंगे वृद्धि के मूल्य से, और ये लाभ की राशि हस्तांतरित कर दिए अपन ने कहां पर? पुनर्मूल्यांकन खाते में। आपको मैंने बताया है कि पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि पर भी किसका अधिकार होता है? पुराने साझेदार का, पुराने अनुपात में अपन बांट देंगे। तो ये जो लाभ अपन ने हस्तांतरित कराया 5,000 रुपए रिवॉल्यूशन में, ये पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा लाभ की स्थिति में, और एंट्री क्या हो जाएगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशो से? ओल्ड रेशो से बांट देंगे। तो इस प्रकार से आपको इस आपके संचय का प्रावधान अगर क्वेश्चंस में दिया गया है, एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में दिया गया है, तो आपका इसका ट्रीटमेंट करना है। इस चैप्टर से संबंधित लगभग सभी हमने कौन सा एडजस्टमेंट्स को पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो नए साझेदार के प्रवेश के समय आपके कौन कौन से जो अंकित प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आया है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में आया है, ऐसे 2 प्रश्न को जो कि बहुत इंपोर्टेंट है गत वर्षों की आपके कौन सा बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि निबंधात्मक प्रश्न अगर आपके रूप में आता है इस चैप्टर में से तो आप उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉमर्स से संबंधित जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड सर्किल्स हैं,
उनमें इस आपके कौन सा वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो का बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिले, इसलिए ही ये चैनल हम लोगों ने डेवलप किया है और सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री वीडियोज़ हैं जिनका कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू।